कैसे हो प्यारे साथियों। नमस्कार, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, MPPSC ने जो कैलेंडर जारी किया था उस हिसाब से MPPSC काफ़ी कुछ पिछड़ गया है। और MPPSC ने दोस्तों कैलेंडर में बताया था कि 2020 का जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट अगस्त में आ जाएगा। जुलाई में ये एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन फ्रेंड्स सितंबर, जुलाई अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर चल रहा है और अभी तक MPPSC ने जो है रिजल्ट जारी नहीं किया है। दोस्तों, आज जो है MPPSC की सुनवाई होने वाली है MP हाई कोर्ट में, लेकिन बताया जा रहा है कि MP के जो जज वकील हैं उनकी हड़ताल चल रही है। अब देखते हैं सुनवाई होती है या नहीं, लेकिन दोस्तों MPPSC को चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो है रिजल्ट दे, मार्कशीट जारी करे, जो पुराना रोस्टर है उसी के हिसाब से जो है रिजल्ट जारी कर दे, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान है। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, MPPSC, क्योंकि देखिए अभी 21 की भी परीक्षा होनी है, 22 की भी परीक्षा होनी है, 21 की परीक्षा का जो है नोटिफिकेशन का टाइम भी जो है नेक्स्ट मंथ था, यानी कि जो मंथ निकल गया सितंबर में जारी होना था, लेकिन 2021 का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और 2020 का भी प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट भी नहीं आया है। हम MPPSC से यही बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है रिजल्ट जारी करें और 2021 का नोटिफिकेशन आप पुराने रोस्टर से ही निकाल दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान है। 2019 के बाद दोस्तों अभी कोई भी भर्ती जो है MPPSC में सिविल सर्विस वाली नहीं हुई है। मतलब देखिए 19 वालों का भी दोस्तों जो रिजल्ट है उनका भी जो है क्लियर नहीं हुआ है, और जो 20 वाले हैं वो प्री एग्ज़ाम दिए उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो MPPSC से यही हम रिक्वेस्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे और नोटिफिकेशन भी।